हेलो दोस्तों, हिटाची कंपनी का डीसी ड्रिल मशीन मेरे पास रिपेयर करने लेके आया है। तो बोल रहा था ये जो मशीन है इसमें बैटरी डैमेज हो गया है। बैटरी 3 से 4 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, उसमें चार्ज ख़त्म होने में 1 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है। इसमें स्पीड भी कम हो गया है। तो मशीन को हम ओपन करेंगे, इसमें बैटरी भी ओपन करके देखेंगे इसमें क्या हुआ है। तो चार्ज होने पर इसमें रेड लाइट बंद हो जाता है, तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए मशीन जो है ना बहुत ही अच्छी मशीन है, और ये 2 साल से चल रहा था, बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा था। बैटरी को ओपन करते ऐसे बैटरी ओपन हो जाता है। तो बैटरी को ऐसे करके हम चार्ज में डाल के इसको चार्ज करते हैं, तो आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए, बैटरी चार्ज हो रहा है। चार्जिंग पे डाल के हम मशीन को ओपन कर लेते हैं। धीरे धीरे करके मशीन को हम ओपन कर लेते हैं। देखिए इसमें चार्ज फुल हो गया, लाइट बंद हो गया, मशीन ओपन भी नहीं हुआ, इसमें चार्ज फुल हो गया। तो आप सोच सकते हो मशीन में जो बैटरी है कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो इसी वजह से इसमें चार्ज फुल हो गया, जब चलते हैं ना वो 1 मिनट भी अच्छे से चलते नहीं है, बंद हो जाता है। तो इसमें बैटरी डैमेज हो गया है, बैटरी को ऑर्डर देना है। तो मैंने ऑर्डर दे दिया है, उसमें मिल जाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। धीरे धीरे करके मशीन को हम ओपन कर लेते हैं। मशीन बड़े से ओपन हो गया है, तो इसमें आपको एक डीसी मोटर, गियरबॉक्स और स्विच देखने को मिलते हैं। देखिए स्विच कैसे फिटिंग रहता है। तो स्विच में आपको डायोड फिटिंग्स है, स्विच बहुत ही इसमें सर्किट से स्विच फिटिंग किए हैं। तो मैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स काम जानता नहीं है, तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, डीसी के बारे में भी जानकारी नहीं है। तो इसमें जो स्विच है ना, इसमें स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए दिए है, हाई लो। तो इसमें स्विच को आगे पीछे करने से इसमें आपको हाई लो होते हैं। और इसमें गियरबॉक्स हम ओपन नहीं करेंगे, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको दिखाने के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ तो कैसे फिटिंग रहते हैं। अब मेरे को भी देखना था, इसीलिए मैंने ओपन करके देखा इसमें फिटिंग्स कैसे होता है। अब बहुत ही अच्छे फिटिंग्स है। इसमें गियर आपको ओपन नहीं करना चाहिए, और उसमें डैमेज होता है तो आप गियर ओपन कर सकते हो। इसमें आपको कार्बन छोटे छोटे देखने को मिलते हैं, कार्बन डैमेज होता है तो कार्बन आपको चेंज कर सकते हो। तो धीरे धीरे करके हम मशीन को फिटिंग कर लेंगे, और इसमें बैटरी को हमें ओपन करने हैं। तो ऐसे इसमें फिट होता है। धीरे करके हम देख के इसको फिट कर लेते हैं। तो पहली बार हम इसको काम करते हैं, थोड़ा टाइम लगेंगे। तो पहली बार करते हैं तो कभी किए नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाते हैं। तो इसको धीरे धीरे करके देख के हम फिटिंग कर लेते हैं।
फिटिंग हो गया है। देखिए जैसे फिटिंग था ऐसे फिटिंग मैंने कर लिया है, तो कवर को भी हम फिट कर लेते हैं। कवर अच्छे से फिट नहीं हो रहा है, तो इसमें हो सकता है वायर बाहर आ गया, तो हमें फिर से खोलना है। फिर से वायर को अच्छे से फिट करने के बाद बड़े से फिटिंग हो जाएगा, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या हुआ है, हम खोलते हैं, खोल के देखते हैं, धीरे धीरे करके ओपन कर लेते हैं। तो मैं ओपन करके देखा, इसमें वायर है ना बाहर हो गया है, तो इसको अच्छे से हमें अंदर डालना है, तो बड़े से फिट हो जाएगा। फिट हो गया है, धीरे से इसको हम कवर को फिट कर लेते हैं। तो बड़े से इसमें फिट हो गया, देखिए तो इसमें वायर ठीक ठाक बैठ जाएगा ना, बड़े से फिट हो जाएगा। इसमें स्क्रू हम फिटिंग कर लेते हैं। बड़े से फिटिंग हो गया है, तो ये जो बैटरी है ना, तो बैटरी को हमें ओपन करके देखना है इसमें क्या हुआ है। तो बैटरी शॉर्ट क्यों हो गया है, तो बैटरी को धीरे धीरे करके हम ओपन करते हैं। इसमें 4 स्क्रू देखने को मिलते हैं, स्क्रू को धीरे धीरे करके हम ओपन कर लेते हैं। बैटरी को हमें ओपन करना है, तो धीरे धीरे करके हमें इसको खींच के देखना है कैसे बाहर हो रहा है। तो पहली बार हम कुछ काम को करते हैं तो जानकारी नहीं होता है, तो आपको देख के करना चाहिए, टूट सकता है। बहुत ही प्यार से आपको देख के बैटरी को ओपन करना है। मैं धीरे धीरे करके कैसे ओपन किया आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए धीरे से इसको बाहर कर लेते हैं, धीरे धीरे करके प्रेशर देते हैं, तो बड़े से बाहर हो गया, तो 2 सेल बाहर हो गया है। तो दूसरे साइड से हमें इसको बाहर करना है, धीरे से हम इसको पुश लॉक को दबा के हमें इसको बाहर करना है। देख रहा हूँ इसमें स्क्रू हो सकता है, इसी वजह से ओपन नहीं हो रहा है। कभी ओपन नहीं किया है, ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो जानकारी नहीं होने पर हमें मन में जो भी सवाल होता है उसको करके देखना होता है। तो धीरे धीरे करके इसको बाहर करने की कोशिश किया है, बड़े से बाहर नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे करके उसको पेस करके उसको बाहर करने की कोशिश कर लेते हैं। तो साइड से हम इसको इसके पेशा दे के उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा बाहर हो रहा है।
धीरे धीरे करके हमें इसको ओपन करना है। बहुत ही प्यार से बड़े से ओपन हो गया है। इसको कैसे बाहर करना है, मैंने देखा इसमें कुछ है, तो धीरे से प्रेस करके देखते हैं। तो धीरे से प्रेस करने पर बड़े से ओपन हो गया है। तो देखिए ऐसे इसमें फिटिंग्स होते हैं। तो इसमें आपको 8 छोटे छोटे सेल देखने को मिलते हैं। तो इसमें कुछ सल्फर जैसा कुछ पड़ गया है, तो हम इसको अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं। इसमें शॉर्ट हो गया है, अब बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है, तो बैटरी अभी भी गर्म है। तो क्या हुआ है मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो फिर भी हम इसको देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो थोड़ा साफ सफाई करके फिर से चला के देखेंगे। साफ़ सफाई हो गया है, तो फिर भी इसमें तो बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है। तो ये होने का क्या कारण है पता नहीं है। तो हो सकता है इसमें सेल डैमेज हो गया, इसी वजह से हीट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है। अच्छे से साफ़ सफाई होने के बाद हम इसको फिटिंग कर लेते हैं। धीरे से हम इसको फिटिंग कर लेते हैं, देख के फिटिंग करते हैं। मेरे से एक चीज़ छूट गया, इसमें जो एक ब्लैक कलर का क्लिप देखने को मिलते हैं ना, ये मेरे से गलती से छूट गया है। इसको फिटिंग करना मेरे को याद नहीं था, मैंने कभी खोला नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होता है उसमें ऐसे कुछ नहीं होता है। तो फिर से हमें खोल के उसको फिट करना है।
देखिए इसमें आपको, इसमें हाई लो होता है, तो इसमें हाई होता है और इसमें लो, गियर में ये होता है। इसे अभी चल ही नहीं रहा, देखिए हाई लो में करने में अभी चल रहा है, लो करने पर चल ही नहीं चल रहा है, तो बैटरी इसमें ख़त्म हो गई। अब इसको हम रख लेते हैं, बाद में इसको फिट कर लेंगे।